और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीवो जो होता है हमेशा अपने व्यूवर्स के लिए कुछ यूनिक चीज लेकर के आता है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि वीवो का एक फोन आया था वीवो V11, काफी ज्यादा हिट गया था। उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिला था और सुपर एमुलेट डिस्प्ले के साथ आया था। प्राइस 22 से 24 हजार रुपए के बीच में आया था। काफी ज्यादा कमाल धमाल फोन था। पर एक और वीवो अपना फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है वीवो S1। ये फोन आपको मैं बता दूं इंडोनेशिया में लॉन्च हो गया है। कितनी प्राइस में लॉन्च हुआ है मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको इंडिया में कब देखने को मिलेगा और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। पूरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे पास जो टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर मैं वीवो के S1 की डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो यहां पे आपको 6.38 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी और ये डिस्प्ले आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर सारे वीवो के फोन्स में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो आता ही है। और एक कमाल की बात यह है कि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा स्किन में। तो मतलब क्या, आपकी स्किन बहुत जल्दी ब्रोकर नहीं होने वाली है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि ज्यादातर जो फोन होते हैं वो स्किन ब्रोकर होने के कारण बहुत जल्दी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि स्किन उनकी बहुत ज्यादा महंगी डलती है जिससे कि लोग उसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं। उन सारी चीजों को देखते हुए अब जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी स्किन की प्रोटेक्शन के साथ आ रही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स का बहुत ज्यादा फायदा है। बाकी आपको क्या लगता है कि आपका भी कोई ऐसा फोन है जो टूटा है और आपने उसकी स्किन ओरिजिनल नहीं पड़ा पाई है, नोकल डलवाई जैसे कि फोन पूरा बेकार हो गया है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो मेरे साथ तो बहुत ज्यादा हुआ है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट कर दो, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावना में खो जाते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचती है। तो आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो जल्दी से बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ये कितने वेरिएंट में देखने को मिलेगा वीवो S1। मैं आपको बता दूं ये फोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4GB 64GB 4GB 128GB और 6GB और 128GB के साथ आएगा। तीनों वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, आप जो भी प्रेफर करना चाहे वो आप प्रेफर कर सकेंगे। और बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीवो का फोन होता है वो कुछ ना कुछ तो यूनिक जरूर लेकर के आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फोन में यूनिक वो लेकर के आ रहा है इसका प्रोसेसर। इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो मीडियाटेक का हीलियो वाला P65 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोसेसर P70 से 2 गुना ज्यादा फास्टर है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मतलब क्या है, इसमें आपकी जो पबजी है वो बहुत ज्यादा अच्छा खेलने वाला है, फुल HD में आप खेल पाएंगे। और वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कंपनियां वैसे भी बहुत ज्यादा प्रोसेसर को ध्यान में रख करके फोन लॉन्च कर रही हैं, उसके पीछे एक रीजन है बहुत बड़ा, वो रीजन ये है पबजी का, क्योंकि ज्यादातर लोग पबजी के अडिक्टेड हो गए हैं। क्या आप भी अपने फोन में पबजी खेलते हैं? मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग पबजी खेलते हैं। 6.38 इंच की सुपर एमुलेट डिस्प्ले दी गई है तो इसमें बैटरी भी लार्ज होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, इसको देखते हुए वीवो ने इसमें बैटरी जो डाली है वो 4500 mAh की डाली है और ये डुअल फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 18 वाट के चार्जर को सपोर्ट करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन इसमें आपको टाइप सी पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। बात करेंगे हम लोग इसके कैमरे के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है जितने भी फोन्स आ रहे हैं वो सारे 3 कैमरे के साथ आ रहे हैं, तो वीवो भी कहां पीछे रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फोन में भी आपको बैक में 3 कैमरे देखने को मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया जो कि 1.78 अपर्चर के साथ आएगा। 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल सपोर्ट दिया गया जो आपका 2.2 एपर्चर के साथ आएगा। एक और कैमरा 2 मेगापिक्सल का जो कि कैमरा सेंसर दिया गया है जो कि 2.4 एपर्चर के साथ आएगा। तो कैमरा तो बैक में काफी ज्यादा कमाल होने वाले हैं। मैं बात करूं यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो सेल्फी भी काफी ज्यादा कमाल आने वाली है। वैसे दोस्तों आपने चीज नोटिस की होगी कि पहले जो फोन आते थे उसमें बैक कैमरे अच्छे आते थे, लेकिन बैक कैमरे तो अच्छे अब आ ही रहे हैं, साथ ही साथ में सारी कंपनी फ्रंट कैमरे पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा हो पा रहा है टिकटॉक की वजह से, क्योंकि टिकटॉक ज्यादातर लोग बनाने लगे हैं। कि आप भी टिकटॉक बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फाइनली बात करेंगे इसकी लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बताऊँ इसका जो बेस वेरियंट है जो 4GB 64GB वाला, उसकी जो प्राइस होने वाली है वो 17,000 रुपये होने वाली है। और जो एक और वेरिएंट है आपका 4GB 128GB, उसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 21,000 या 22,000 रुपये रहने वाली है। और 6GB 128GB, उसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 23,000 या 24,000 रुपये के आसपास रहने वाली है। वैसे अगर आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इसका बेस वेरियंट लें 4GB 64GB, जो कि आपको 17,000 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं ये फोन इंडोनेशिया में तो लॉन्च हो गया है, भारत में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। हो सकता है जुलाई के लास्ट में देखने को मिल जाए या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाए। क्या आप इस फोन का वेट करना चाहोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कितने लोग इस फोन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा जिसका आपको आंसर देना बहुत ज्यादा मस्ट है। आपको इस वीडियो में बेस्ट ऑफ दी पार्ट कौन सा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। या फ्रेंड्स, तो ये था आपका Vivo S1, कुछ ऐसा ही होने वाला है आपका Vivo S1। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथ में घंटी को दबा देना। मैं मिलता आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।